वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। बेहद अहम जानकारी बिलासपुर से। हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झंडुता विधानसभा पहुंचे हैं। जेपी नड्डा, तो आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया है। ये बेहद अहम जानकारी, जेपी नड्डा ने की टिफिन बैठक की अध्यक्षता। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ यहां पर। इस बैठक में फोरलेन टनल का भी निरीक्षण करेंगे जेपी नड्डा। तो इस वक्त की बेहद अहम जानकारी, हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो वहीं झंडुता विधानसभा पहुंचे हैं जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया है यहां पर। तो वहीं जेपी नड्डा ने टिफिन बैठक की अध्यक्षता की है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन भी हुआ है। ये बड़ी खबर, जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे से जुड़ी अहम जानकारी। तो हमारे साथ सुभाष ठाकुर जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं और आज वो झंडुता विधानसभा पहुंचे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी है? जी बिल्कुल, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे पर बिलासपुर पहुंचे हुए हैं, तो आज झंडुता विधानसभा का उन्होंने दौरा किया है। तो यहाँ पर उन्होंने टिफिन बैठक का जो यहाँ पर आयोजन हुआ है और अंदर अभी बैठक चली हुई है, इसके थोड़ी देर ही बाद वह जो फोर लाइन जो का जो निर्माण कार्य चल रहा है और जो टनलें बनी है उनका निरीक्षण करने के लिए यहाँ से निकलेंगे। जी, टिफिन बैठक की अध्यक्षता भी की है जयप्रकाश जगत प्रकाश नड्डा ने, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो टिफिन बैठक चली थी उसमें मीडिया को तो अंदर आने नहीं दिया गया था क्योंकि उसमें कुछ लोकसभा चुनावों को लेकर भी कोई विस्तार पूर्वक चर्चा हो सकती थी, जिसको लेकर अभी तक विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन जो टिफिन की जो चर्चा थी उसमें उन्होंने ये जाहिर किया था कि जो कार्यकर्ता और जो एक नेता है वो एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। टिफिन बैठक में कौन कौन से दिग्गज मौजूद थे यहाँ पर? सुभाष, की आवाज मिल पा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुभाष।